Hello everyone, this is Nidhi Dubey and welcome to my channel Conceptual Startup. In this video, I have explained freedom, justice and equality. What is the meaning of freedom and how the people of India and the other countries enjoys the freedom? And what is the meaning of justice and equality? What they do for the citizens of our country? So let's watch the video, and if you like, please share and subscribe to my channel. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रीडम. फ्रीडम जो है हम सभी को पता है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता. तो कोई भी डेमोक्रेसी फ्रीडम के बिना पॉसिबल नहीं है. मतलब कोई भी प्रजातंत्र जो है वो फ्रीडम के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये सभी अच्छी तरीके से जानते हैं. ये जो फ्रीडम है ये रेफर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस ओन वंस ओन रिलीजन. ठीक है, अब किस किस की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है? तो हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने व्यूज़ रखने का अधिकार है, अपने पॉइंट्स लोगों के सामने रखने का अधिकार है, और हम कोई भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका अधिकार हमको है. मतलब हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, यह अधिकार हमको गवर्नमेंट से मिला हुआ है. हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, और हमें वोट देने का अधिकार भी मिला हुआ है. तो ये जो फ्रीडम है ये हर एक इंसान जो है वो इसको एंजॉय करता है इन अ डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र के राज्य में ये जो हमको फ्रीडम मिला हुआ है इसको सभी लोग एंजॉय करते हैं, और ये जो है किसी भी लॉ को नुकसान नहीं पहुंचाता या किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करता, किसी लॉ को तोड़ने के लिए नहीं होता और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है. फिर बात करते हैं जस्टिस और इक्वलिटी की. जस्टिस मतलब न्याय और इक्वलिटी मतलब सब में समानता. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी इंसान जो हैं उनको कानून के सामने इक्वल, कानून के समक्ष बराबर रखा गया है. तो ये जो है सेम लॉज होते हैं सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए हैं, और सभी जो हैं इन लॉज को इंजॉय करते हैं. एक इक्वल स्टेटस में इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को मिली हुई है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट, ये उसको रिमूव करने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं. कुछ जो पीपल हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो वो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी होती है. जब लोगों में असमानता होती है, लोगों को एक नज़रिए से नहीं देखा जाता है, ऊंच नीच की भावना अगर रखी जाती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लोगों के हाथ से निकल जाती हैं. इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं वो बढ़ाए जाएं, वो लोगों तक पहुंचाए जाएं, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको बेनिफिट दिया जाए. तो जो कुछ रिजर्विंग सीट्स होती हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो इनके लिए होती हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी. फिर कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो होते हैं वो वुमेन को भी दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, फेयर डिस्क्रिमिनेशन, फेस डिस्क्रिमिनेशन जो है सोसाइटी में, वो उसको बंद किया जा सके. इक्वलिटी जो है वो तभी आ सकती है एक पावरफुल लीगल सिस्टम अगर हमारे यहाँ हो, हमारी गवर्नमेंट में या फिर हमारी कंट्री में, जिससे कि सभी लोगों में समानता जो है वो लाई जा सके. और जस्टिस जो है वो बिल्कुल फेयर और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए. तो अगर सही जस्टिस मिलेगा और वो उतना इफ़ेक्टिव होगा तो हम वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसको हम और आगे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे.